हेलो एवरीवन, की हाल चाल, सत श्री अकाल, बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार। तो आज के व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो रियल स्टोरी है। तो अभी आप जो ये मार्केट देख रहे हो, न्यू टिहरी की मार्केट है। तो यहाँ से हम देवप्रयाग के लिए निकल चुके हैं। तो जो रास्ता हमने लिया है वो आपका रानी चोरी होते हुए डांडा चाली और आपका गाजा होते हुए देवप्रयाग के लिए निकलता है। तो हम लोग सब निकल चुके हैं यहाँ से और अभी जो टाइम हुआ है वो 11 बजे के आसपास हुआ है। कहते हैं कि रानी चोरी और डांडा चाली जो आपकी जगह है वो काफ़ी सुंदर जगह है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी भी होती है। तो अगर आप देवप्रयाग जाना चाहते हैं तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप दिन में ही देवप्रयाग उस रूट से करके आ जाएं वापसी। अगर आप लेट होते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है आप लोगों के साथ, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों के साथ हो चुकी है। एक्चुअली में क्या हुआ था, हम लोग देवप्रयाग से रिटर्न जब आ रहे थे तो शाम के 6 बज चुके थे ऑलमोस्ट। तो निकलते निकलते हम लोग गाजा जैसे पहुँचे, तब टाइम हो रहा था उस टाइम मेरे ख्याल से 7:30 के आसपास। तो सडनली मेरे को एक बंदा दिखता है, तो जॉम्बी टाइप खड़ा हुआ था, हाथ में उसके एक बीड़ी लगी हुई थी जो कि लाइट अप थी। तो मैं आशीष से बोलता हूँ कि आशीष भाई, इन लोगों को ठंड नहीं लगती है क्या? तो आशीष ने बोला नहीं यार, यहाँ पर लोग ऐसे ही रहते हैं। तो मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि उसको मैंने नोटिस नहीं करा था, आशीष उसको पहचान चुका था कि वो क्या बला थी। तो जब आगे हम लोग निकलते हैं, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं था भाई क्या चीज़ होती है ये और क्या है और कौन सी भला है, मेरे को तो कुछ नहीं पता था। तो सडनली क्या होता है कि आशीष बोलता है पुनीत भाई आगे आराम से चलना, वहाँ पर आपको हिरन और बाघ दिख सकते हैं। तो मैंने बाघ को इग्नोर करा, तो मैंने बोला हिरन देखेंगे आज। तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे आगे, तो पीछे पल्सर वाले आते हैं जिसपे 3 लड़के बैठे होते हैं, तो वो फट से आते हैं और वहीं से वो भागते हुए निकल जाते हैं एकदम से, और सडनली आगे जाके वो रुकते हैं। तो साइड में एक चाय की शॉप होती है काफ़ी, मतलब यही कोई आपका 500-600 मीटर आगे। तो वो लोग वहाँ पर रुकते जैसे हम लोग आए वो भी आके निकल गए, और उसके बाद वो लोग कहाँ गए मुझे भी नहीं पता, ना हम लोगों को दिखे। तब क्या होता है कि सबसे पीछे हमारा एक भाई चल रहा होता है प्रदीप, तो उसको भी वही बंदा सेम दिखता है। बोलता है, प्रदीप ने बताया कि ये जो बंदा है मुझे 8 से 10 बार वहाँ पर दिखा, और 8 से 10 बार ये कभी राइट में आता है कभी लेफ्ट में आता है। तो ऐसे करते करते ये वहाँ से निकल गया आराम से, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और भगवान की दुआ से कोई दिक्कत भी नहीं हुई इसको। तो सडनली हम लोग रात के 9:30 के आसपास हम लोग टिहरी वापसी आ जाते हैं। अब प्लान बनता है कि आशीष के गाँव में चला जाए पाटा, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर आशीष का होम स्टे भी है। तो हम लोग वहाँ पर सारे दोस्त गए, अब खाना खाने की बारी आई, सारे बाहर बैठे हुए थे, बोन फायर जली हुई थी, तो ऐसी बातचीत चली। तब ये किस्सा प्रदीप ने बताया कि भाई एक नीली टी शर्ट और ब्राउन पैंट में एक बंदा खड़ा था, तो आप लोगों को वो भी दिखा? तो हम सारे लोग थे, सब ने बोला हाँ भाई हमको एक एक बार दिखाए। और जैसे उसने उस बंदे की बात करी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसी बंदे का फेस मेरे को आज तक याद है और अभी भी मेरे को याद है वो बंदे का फेस, कैसा बंदे का वो फेस था। मुंह पे सफ़ेद सी हल्की हल्की दाढ़ी थी, आंखें एकदम लाल कलर में थी, बीड़ी लगी हुई थी हाथ में, थोड़ा सा जॉम्बी टाइप में खड़ा हुआ था। रात के समय राइड नहीं करनी चाहिए जबकि आपको कुछ नहीं पता कि पहाड़ों में क्या हो सकता है, तो जितना हो अवॉइड करना। और हो सके अगर आप टिहरी वाला रूट जब पकड़ के आप देवप्रयाग जाते हो तो अगर आपने जाना है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब टिहरी से गाजा साइड पे होते हुए निकलते हो देवप्रयाग, तो हो सके तो आप दिन में कवर कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप नाइट में आ रहे हो तो बी केयरफुल, आराम से आना और घबराना मत बिल्कुल भी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी नॉलेज मिली हो कि रात में उस जगह से नहीं आना बेटर रहेगा। बाकी हम लोग बढ़िया हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। सो मैं मिलता हूँ आपको जल्दी से दूसरी वीडियो में, होप वीडियोस मैं जल्दी डालूँ।
तो मिलता हूँ मैं आपको बहुत जल्दी। और अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कराया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना यार। खतरे मोल लेके हम लोग वीडियोस बनाते हैं, मज़ा भी आता है, डर भी लगता है कई बार, तो मज़ा फिर भी आता है, क्या करें, करना पड़ेगा, काम है। तो बस चलते हैं, बाय बाय, नमस्ते।